आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण पर एक निबंध बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सभी इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले परिचय लिखेंगे। पर्यावरण शब्द के दो खंड है, परि जोड़ आवरण। इसका अर्थ होता है ऊपर का आवरण। ऊपर आकाश तक जो भी चीज़ें पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए है वे पर्यावरण के अंग है, जैसे हवा, जल, मिट्टी इत्यादि। हवा, जल और मिट्टी की बनावट में एक प्राकृतिक संतुलन है। यह संतुलन जब किन्हीं कारणों से बिगड़ जाता है तो पर्यावरण असंतुलित हो जाता है और इसी असंतुलित पर्यावरण को प्रदूषण कहा जाता है। महत्व। मनुष्य के स्वास्थ्य, पशु पक्षी के जीवन और पेड़ पौधों के समुचित विकास के लिए संतुलित पर्यावरण आवश्यक है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने पर प्रदूषण फैलता है और मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पतियों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण। महानगरों में यह प्रदूषण अधिक फैला हुआ है। वहाँ 2400 घंटे कल कारखाने का धुआं, मोटर वाहनों का काला धुआं इस तरह फैल गया है कि स्वस्थ वायु में सांस लेना दुभर हो गया है। यह समस्या वहाँ अधिक होती है जहाँ सघन आबादी होती है, वृक्षों का अभाव होता है और वातावरण तंग होता है। जल प्रदूषण। कल कारखानों के दूषित जल को नदियों में बहा दिया जाता है जिससे भयंकर जल प्रदूषण पैदा होता है। बाढ़ के समय तो कारखानों का दुर्गंधित जल नदी नालों में घुल मिल जाता है। इससे अनेक बीमारियां पैदा होती है। ध्वनि तथा मिट्टी प्रदूषण। मनुष्य को रहने के लिए शांत वातावरण चाहिए, लेकिन आजकल कल कारखानों का शोर, गाड़ियों तथा लाउडस्पीकरों का शोर बहरेपन और तनाव को जन्म दिया है। दूसरी तरफ प्लास्टिक से बने पदार्थों का अत्यधिक उपयोग तथा अम्लीय वर्षा ने मिट्टी को भी प्रदूषित कर दिया है। उपाय। प्रदूषण विज्ञान की कोख से जन्मा है और इस पर काबू पाया जा सकता है। सबसे पहले हमें जनसंख्या वृद्धि दर को घटाना होगा। वनस्पति ही पर्यावरण को संतुलित करते हैं, अतः हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। कल कारखानों को आबादी से दूर रखना चाहिए और उनसे निकले प्रदूषित पदार्थ को नष्ट करने के उपाय सोचने चाहिए। उपसंहार। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की जटिलतम समस्या है। इसे मिटाने के लिए हर देश को निस्वार्थ भाव से प्रयत्न करना होगा। उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों कि यह निबंध आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह के निबंध के लिए आप लोग निबंध के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे निबंध मिलेंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।